हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारी सबकी फेवरेट चॉकलेट ब्राउनी। ये ग्लूटेन फ्री है, ये डेयरी फ्री है और ऑयल फ्री भी है। इसमें ना तो कोई मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, ना तो कोई बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ना ही इसमें ऑयल है, ना ही इसमें बटर है। बस चार मेन इंग्रेडिएंट का यूज़ करके मैं ये हेल्दी चॉकलेट ब्राउनी बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी चॉकलेट ब्राउनी। शुरुआत में हम 5 अंडों के एग वाइट को अलग कर लेंगे। वाइट को अलग करने के लिए पहले अंडे को 2 हिस्सों में कट कर ले, और जैसे वीडियो में दिखाया है इस तरह से आप एग वाइट को अलग कर ले। अंडों का येलो पार्ट है, इनमें 1 कप शुगर मिला लेंगे। इन दोनों को हैंड विस्कर से विस्क कर लेंगे, बाकी की हाफ शुगर भी मिला लेंगे। इस तरह से 2 स्टेप में हम शुगर मिलाएंगे। देखिए, विस्क करने के बाद बैटर थोड़ा लाइट बन गया है। चलिए अब इस बैटर में हम 1.5 कप आलमंड फ्लावर मिला लेंगे। 2 स्टेप में हम ये आलमंड फ्लावर ऐड कर लेंगे। चलिए हम इनको विस्क कर लेते हैं हैंड विस्क से। बाकी का बचा हुआ हाफ आलमंड फ्लावर को भी ऐड कर लेंगे और हैंड विस्कर से विस्क कर लेंगे। इस बैटर में हम थोड़ा थोड़ा करके 1/4 कप पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर अगर हैंड विस्क से मिक्स करना हार्ड लग रहा हो तो आप इलेक्ट्रिक मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने लगभग 1/4 कप पानी ऐड किया है। बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करते हुए आप पानी कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हम इनमें 2 स्टेप में कोको पाउडर ऐड कर लेते हैं और इनको इलेक्ट्रिक विस्कर से बीट कर लेते हैं। चलिए बाकी की आधी बची हुई कोको पाउडर को भी मिक्स कर लेते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी देखकर हमें यहाँ पानी ऐड करना है। याद रखिए, पूरे रेसिपी में हमने लगभग 4 से 6 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। देखिए, लगभग मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बैटर हमने बना लिया है। इस बैटर में हमें एग वाइट ऐड करना है, तो हम पहले एग वाइट को दूसरे मीडियम बाउल में विस्क कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर का स्पीड हमने मीडियम रखा है। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए
हमने एग वाइट को इस कर से बीट कर लिया है। देखिए एग वाइट को हमने इतना फ्लफी फ्रॉदी और फोमी होने तक बीट किया है। चलिए हमने जो आलमंड फ्लावर का बैटर बनाकर रखा हुआ है इनमें हम वो एग वाइट को ऐड कर लेते हैं। कट एंड फोल्ड मेथड से हम इनको ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। एग वाइट का जो एरिएशन फॉर्म हुआ है बीट करने के बाद वो हमें वैसे ही मेंटेन रखना है। इनमें हम हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे, एक टी स्पून वैनिला एसेंस ऐड कर लेते हैं। इन सबको एक मिक्स दे देंगे। हमने 9 इंच का टिन पैन पार्चमेंट पेपर लगाकर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप बटर से टिन पैन को ग्रीस कर सकते हो। चलिए बैटर को टिन पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। टिन पैन को थोड़ा सा शेक करके टैप करके इनमें से एयर बबल्स निकाल लेते हैं। ओवन को हमने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक प्री हीट किया है। हमारी ब्राउनी ओवन में बेक करके तैयार है। मैंने लगभग 40 मिनट के लिए ब्राउनी को बेक किया है और टूथपिक टेस्ट भी क्लीन आई है। ब्राउनी को टिन पैन से चाकू की सहायता से अलग कर लेते हैं और ब्राउनी को एक वायर रैक पर कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे लगभग 30-35 मिनट्स के लिए। चलिए पार्चमेंट पेपर को अलग कर इसका कलर देख लेते हैं। देखिए बहुत ही इवनली कलर आया है, इसका मतलब ये इवनली बेक हुआ है। चलिए ब्राउनी को कट करके इसका टेक्सचर देख लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट ब्राउनी बनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारी ब्राउनी बहुत ही टेस्टी और मॉइस्ट बनी है और इसकी खास बात है कि ये हेल्दी भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।